ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज हम द्वितीय सत्र में ये चर्चा करेंगे कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम वास्तविकता में कौन हैं। इसके कई सारे उत्तर हमें मिलते हैं, और हम आज की बात आरंभ करें उसके पहले हम थोड़ा सा पिछले सत्र में हमने क्या कंक्लूजन निकाला था उसको हम देखते हैं। तो हमने देखा था कि एक बहुत ही कॉमन प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, और हम लोग भी कह देते हैं कि आई एम फाइन, हाउ आर यू, और वो भी कह देते हैं आई एम गुड। तो ये उत्तर हमने देखा था कि हर कोई सुखी रहने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सुखी नहीं है। वो सुखी नहीं है क्योंकि उसको शाश्वत सुख की इच्छा है, लेकिन उसे शाश्वत सुख यहाँ नहीं मिल रहा है। और उसका कारण भी हमने समझा था कि हम जो खोज रहे हैं वो सही चीज़ है, लेकिन जो स्थान जहाँ हम वो खोज रहे हैं वो स्थान गलत है। अब इसी बात को हम आगे अब और समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है कि आपके पास में सही उत्तर हों। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि होती है कि आप सही प्रश्न पूछते हों। तो हमने पिछले सत्र में भी एक सही प्रश्न पूछा था कि एम आई हैप्पी, क्या मैं सुखी हूँ। और आज भी हम एक प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत शाश्वत प्रश्न है, सालों से चल रहा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आज भी अगर हम छत पे जाएं, तारों को देखें, तो फिर हम इतने विराट ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है, हमारी क्या वैल्यू है, उसको सोचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और हमें ज़्यादातर कोई उत्तर मिलता नहीं है। हम पूरी अपनी एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हो जाती हैं, अब्रॉड जाके और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके आ जाते हैं, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, लोग हमें बुद्धिमान और ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन एक साधारण सा प्रश्न हू एम आई, उसका उत्तर ज़्यादातर हमारे पास नहीं होता है। और इस उत्तर को खोजने का सबने प्रयास किया, जो फेमस फिलोसोफर्स रहे दुनिया के, चाहे वो अरस्तु हों, चाहे वो एपिक्यूरस हों, सब ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार से कोई इसका उत्तर मिले। इसी प्रकार से संसार के सारे धर्म भी एक्चुअली यही एक उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है। आज के सत्र में हम कॉमन सेंस के आधार पे, साइंस के आधार पे, और फिर भगवद गीता के, भगवान के ज्ञान, तीनों के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे कि मैं कौन हूँ। ज़्यादातर आप ये प्रश्न पूछोगे अगर कोई छोटे बालक से, हु आर यू, वो तुरंत अपना नाम बता देगा, मैं राजू हूँ, मैं रानी हूँ। बड़े से पूछोगे वो भी कुछ उत्तर बताएगा, लेकिन अगर वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सही उत्तर खोजना चाहता होगा, तो उसे लगेगा कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया इस प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न का मुझे कोई भी ऐसा उत्तर आज तक नहीं मिला जो क्लियर हो, तो मैं इतना अनश्योर क्यों हूँ इसके उत्तर के लिए। तो हम में से हर व्यक्ति अगर दो मिनट के लिए एक स्थान पे शांति से बैठे और सोचे कि एक्चुअली मैं पूरी भागा दौड़ी क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि हम चाहते हैं कि हम हमेशा रहें, मतलब हमारा अस्तित्व हमेशा रहे, हम हमेशा प्रसन्न रहें, और हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता ना बचे। तो ये तीन चीज़ें हम में से सब लोग चाहते हैं। इनफैक्ट हर जो जीवित प्राणी है वो ये चीज़ चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली जैसा हमने पिछले सत्र में देखा था कि आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के अलावा एक इंसान ही है जिसके पास में धर्म को समझने की शक्ति भगवान ने दी है। तो इस प्रकार से इंसान इस बात को और अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकता है, बता सकता है कि मैं ये तीन चीज़ें चाहता हूँ। मैं हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ, अर्थात शाश्वत रहना चाहता हूँ। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसका अंत हो जाए। हम में से कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, कोई ये नहीं कहता कि अरे एक साल बहुत सुखी रह लिए, भगवान थोड़ा सा दुख दीजिए जरा,
या मैं बहुत दिनों से बीमार नहीं हुआ, मुझे बीमार कर दीजिए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और हम में से कोई ये नहीं चाहता है कि हमें ज्ञान न मिले। तो हर ये तीनों वस्तुएं हम में से हर व्यक्ति चाहता है। तो हु एम आई का जो पर्पस है कि क्यों हम अपने आप को जाने, तो उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे क्या रोल है जो प्ले करना है इस पूरी सिचुएशन में। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा एक्चुअली क्या पर्पस है, इसको भी मैं नहीं समझ पाऊँगा। क्योंकि जब हमने प्रॉब्लम को ही डिफाइन नहीं किया तो हम सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे, और जब हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो हुए माए का उत्तर क्या है? हुए माए का हमें ऐसा उत्तर ढूंढना है आज जो इन तीनों वस्तुओं को इंक्लूड करे, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमेशा सत्य हो, मतलब शाश्वत हो। तो ऐसा उत्तर आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा हमने देखा कि नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछे आप कौन हैं, तो वो या तो अपना नाम बता देगा कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ, या अपना जॉब बता देगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं MBA हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या वो अपनी फैमिली लीनियज या सोसाइटी के बारे में बता देगा कि मैं यहाँ का हूँ, मैं जबलपुर का हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, मैं यूक्रेन का हूँ। तो ये क्या हो रहा है, व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बता रहा है जिसको वो समझता है कि वो उसकी आइडेंटिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है, आपके पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, आपके वोटर आईडी में एक नाम लिखा हुआ है, वो नाम आपके माता पिता ने आपको दिया था जब आप पैदा हुए थे। अब उस नाम के साथ इशू क्या है, वो कुछ भी नाम दे सकते थे आपको, उनको जो नाम अच्छा लगा वो उन्होंने दे दिया। तो ये नाम तो कैसा है, ये नाम तो टेम्प्रेरी नाम है। क्यों टेम्प्रेरी नाम है, हम रोज पेपर में ऐसे ऐड देखते हैं नाम परिवर्तन, लोग अपना नाम बदल लेते हैं कि मेरा नाम रजनी गोयल है और जो है मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, सोनी गुप्ता लिखा हुआ है, तो नाम कुछ और है, आवाज कुछ और नाम कर लिया व्यक्ति ने। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपना नाम परिवर्तन कर सकता है। तो ये तो कोई परमानेंट मेरी आइडेंटिटी नहीं हुई। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर नाम के ऊपर हम जाएंगे तो लोग देखते हैं कि जो लुक्स हैं, जो जैसा व्यक्ति दिखता है, वो दूसरी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि नाम नहीं तो मेरा जैसा चेहरा मोहरा है वो ही मेरी आइडेंटिटी है। तो एक बिल्डिंग थी, पुरानी सी बनी हुई थी, और उसकी जो लिफ्ट थी वो बहुत धीरे चला करती थी। तो जो भी उस बिल्डिंग में ऊपर की मंजिलों में रहते थे वो हमेशा मैनेजमेंट से कंप्लेन करते थे कि लिफ्ट बहुत धीरे चलती है, इसका कुछ करिए, लिफ्ट बहुत धीरे चलती है, इसका कुछ करिए, रोज उनके पास कंप्लेन आती थी। अब ये पुरानी बिल्डिंग थी, उसका मैकेनिज्म पुराना था, उसको कितना सुधारते वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो किसी मैनेजमेंट वाले ने उनको एक ऐसी सलाह दी जिसके बाद उनके पास कोई भी कंप्लेन आना बंद हो गई। उस मैनेजमेंट वाले ने क्या कहा, आप कुछ मत करिए, लिफ्ट में एक मिरर लगा दीजिए। अब जब लिफ्ट में मिरर लग गया तो वही लोग जो कंप्लेन किया करते थे कि लिफ्ट धीरे चलती है, पहुंचती नहीं है, हमारा समय व्यर्थ होता है, वो पूरे समय अब अपने को देखा करते थे, और वो अपने को देखने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ये कभी कंप्लेन ही नहीं की अगली बार कि ये लिफ्ट धीरे चलती है। तो इस प्रकार से लुक्स जो हैं वो कितने मायने रखते हैं आज के समाज में। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाइए तो लुक्स ही हैं केवल, बाहर जो मैनिक्विंस टंगे हुए हैं वो केवल आपको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा आप पहनोगे तो आप ऐसे दिखोगे, ऐसा आप खाओगे तो आप ऐसे बन जाओगे। तो ये लुक्स के ऊपर ही सारा कुछ है। तो इस बारे में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि एक स्त्री थी जो विवाहित थी लेकिन वो रूपवती थी, और एक वहाँ के राजा का लड़का था जिसने उसको देखा तो मोहित हो गया, और उसने उसे प्रपोज किया कि मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। तो वो स्त्री बहुत पतिव्रता स्त्री थी, उसने कहा कि आप जो भी आपका प्रपोजल है वो मैं आपको एक हफ्ते बाद आपकी इच्छा को पूरा करूँगी। उस एक हफ्ते उसने क्या किया, उस एक हफ्ते उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली जिससे उसे बहुत ज़्यादा डायरिया हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, डिहाइड्रेशन हो जाए, और वो जो भी निकला मल और सब वो उसने एक पात्र में एकत्र करती गई करती गई करती गई, और ऑब्वियसली एक हफ्ते के डिहाइड्रेशन और कुछ नहीं खाने के कारण वो बहुत ही निस्तेज सी हो गई। और फिर वो
जो राजकुमार था वो एक हफ्ते बाद आया मन में बहुत आशाएं लेके, तो उसने बोला कि वो मैंने ढक के रखी है, मेरी जो भी पूरा रूप था वो मैंने ढक के रखा हुआ है। जब उसने वहाँ पे हटाया तो देखा कि ये तो बदबू आ रही है, गंदगी है ये, तो बोले यही मेरा रूप है। तो एक्चुअली यही हम सब की भी पहचान है, यही बात है जो हमको समझनी पड़ेगी कि लुक्स जो हैं वो तो टेम्प्ररी हैं। हम पहले यंग रहते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। हम जब बच्चे रहते हैं तो अलग तरह से दिखते हैं, यंग रहते हैं तो अलग तरह से दिखते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो अलग तरह से दिखते हैं। वही लोग जिन्होंने हमें बचपन में देखा हो अगर सीधे बुढ़ापे में देखे तो हमें नहीं पहचान पाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे अपीयरेंसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हमारा अपीयरेंस भी हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बदल सकता है। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा आदमी इसको बदल सकता है। तो हमारे लुक्स अपीयरेंस, हमारा जो दिखावा है, जिस तरह हम दिखते हैं, ये भी बदलता रहता है। तो हमारा शरीर एक्चुअली क्या है, हमारे शरीर के ऊपर एक चमड़ी का आवरण है, चमड़ी का थैला है, और उसके अंदर कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद हैं वो सब जानते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, अंदर स्टूल है, यूरिन है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है। जब भी हम सर्जरी के लिए ओपन करते हैं तो यही सब दिखाई देता है, कोई रूप अंदर नहीं है। अंदर की बॉडी तो आपको रिपेल कर देगी, ये स्किन की कवरिंग ही है जो उसको बचा के रखी हुई, सजा के रखी हुई। ये केवल ब्यूटी स्किन डीप है। मान लीजिए किसी को चोट लग जाए, घाव लग जाए, और उसकी अगर वो ठीक से इलाज ना कराए तो थोड़े दिन में ये जो दिख रहा है कीड़ा, इसको बोलते हैं मैगट्स, ये लग जाते हैं, वो खा जाता है पूरे घाव को और वो विभत्स रूप में दिखने लगता है व्यक्ति। या किसी को कैंसर हो जाए तो वो कैसा दिखने लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो जिस तरह से हम दिखते हैं ये भी हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। और इस आइडेंटिटी के फेर में ज़्यादातर लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी फाइनल सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है जिसमें हमारी आइडेंटिटी छुपी हुई। तो कई लोग अपने आप को जो उनका सोसाइटी में, फैमिली में रोल है, उसके हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये फला फला डॉक्टर हूँ, मैं फला फला व्यक्ति हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इस मंत्री को जानता हूँ, मैं इस गुंडे को जानता हूँ। ये क्या हो गया, ये हो गया एक रोल जो आप निभा रहे हो, लेकिन ये रोल भी चेंज होता रहेगा। एक छोटा सा बालक है, कल को उसकी शादी होगी तो वो पति बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा तो पिता बनेगा, उसके बाद उसके नाती पोते होंगे, वो दादा नाना बनेगा। तो उसका रोल तो हर दिन चेंज हो रहा है, और एक समय पे भी उसका रोल अलग अलग है। वो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहा है तो उसका रोल अलग है, जब वो घर पर है तो उसका रोल अलग है। तो सोसाइटी के रोल भी समय के साथ और एक ही समय पे भी बदलते रहते हैं, इसलिए ये भी हमारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, शरीर के आधार पे जितने हमारे उपाधियां हो सकती है, नाम हो सकता है, डिग्री हो सकती है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो सकती है, और हमारा अपीयरेंस हो सकता है, इनमें से कोई भी वस्तु हमारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब बदली जा सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ और इससे बदलते हुए जो संबंध है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो पूरे समय बदल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदलते हैं, तो मैं कौन हूँ, क्योंकि ये सब तो बदलता जा रहा है और मैं तो एक शाश्वत हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं ये इच्छा पूरे समय है कि मुझे शाश्वत रहना है। तो क्या मैं अपने इमोशंस को अपना मानूं, क्या मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्या ये मेरी आइडेंटिटी है। अब इन इमोशंस में अलग अलग वस्तुएं आ सकती है, किसी को कोई मिठाई पसंद हो सकती है, किसी को कहीं घूमना पसंद हो सकता है, किसी को बैठ के पढ़ना पसंद हो सकता है, तो क्या ये मेरी आइडेंटिटी है। बट इसके साथ भी प्रॉब्लम ये कि ये पूरे समय हमारे इमोशंस एक से तो नहीं रहते, कभी हम सुखी रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, कभी बोर रहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो रोज चेंज हो रहा है, तो ये भी मैं नहीं हूँ। तो क्या मैं जो सोचता हूँ वो मैं हूँ। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने बोला आई एम व्हाट आई थिंक, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा गहराई से देख लें, क्या सच में मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ। एक्चुअली आज के ज़माने का अगर हम बात करें सोशल मीडिया के रहते हुए, जहाँ हर कोई चाह रहा है कि आपको कोई लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, फॉलो करे, तो एक्चुअली आज तो वो मैं हूँ ही नहीं जो मैं सोचता हूँ। आज मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हो, आज मैं वो हूँ जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हो।
इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के सोशल कंडीशनिंग से, कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनमें एक्सेप्टेंस चाहता हूँ। ये ज़्यादातर हम स्पेशली देखते हैं जब टीनेजर होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये पीयर ग्रुप है, इसमें हमारी बिलोंगिंग तभी होगी जब हम उसकी तरह से कपड़े पहनेंगे, जब हम उसकी तरह से रहेंगे। यही हाल प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है कि अगर उसने बड़ा कुछ अचीव कर लिया तो मैंने क्यों नहीं किया है, मुझे भी क्या करना है, मुझे भी उसके जैसा बनना, मुझे भी उसके जैसा घर चाहिए, मुझे भी उसके जैसी गाड़ी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी कॉपी करना चाहता हूँ और मैं इसी कॉपी में पूरा जीवन अपना बिता देता हूँ। तो हर दिन 2.5 घंटे कम से कम लोग सोशल नेटवर्क साइट पे बिता रहे हैं और 366 मिलियन नए लोग जो हैं सोशल मीडिया को हर साल ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिस इज़ ए बिग नंबर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन है अपनी आइडेंटिटी का। तो हम उस आइडेंटिटी का एक्सेप्टेंस कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढते हैं अगर रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता। तो यही बात चल रही है। अब हमारी थिंकिंग जो है, अगर साइंटिफिकली हम एनालाइज करें तो ये हार्वर्ड की एक स्टडी है जो कहती है हर मिनट हर नॉर्मल एवरेज व्यक्ति के मन में 49 थॉट्स आते हैं, 49 विचार आते हैं हमारे हर मिनट। बहुत सारे हम समझ भी नहीं पाते और चले जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर समय हमारे मन में विचार आ रहे हैं, और इसका अर्थ ये भी हुआ कि हर समय हमारे विचार बदल रहे हैं। तो ये विचार भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि विचार भी तो समय के साथ बदल जाते हैं। तो मैं वस्तुतः कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इन शरीर के साथ उपजे सारे रिलेशंस भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ जैसा हमने देखा, मैं थिंकिंग भी नहीं हूँ, मैं इमोशंस भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब तो बदल रहे हैं। पर मैं तो सेम रहता हूँ। मैं तो जब 4 साल का था तब भी मैं अपने आप को एक आइडेंटिटी से मानता था, और आज मैं 40 ईयर्स का हूँ तब भी मैं जब मिरर में देखता हूँ तो मैं उसी तरह से अपने आप को सोचता हूँ। तो ये क्या चीज़ है जो मेरा शरीर बदल गया, समय बदल गया, मेरे रोल्स बदल गए, लेकिन मैं नहीं बदला? तो ऐसी क्या वस्तु है जो ये सारे मुखौटे जो हम पहन के सोशल मीडिया साइट्स और सोशल वर्ल्ड में घूमते हैं, उसके अंदर भी क्या हमारी एक रियल आइडेंटिटी है जिसको हमने आज तक देखा नहीं है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है आप ये सब नहीं हो, लेकिन कैरेक्टर तो आदमी का नहीं बदलता है। हो सकता है आप कैरेक्टर हो, लेकिन कैरेक्टर बनता किससे? आपके बिहेवियर से बनता, आपकी फीलिंग थॉट्स वैल्यू बिलीफ से बनता है, और ये सब तो चेंज होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत आज्ञाकारी बालक टीनेजर आता है तो तब तक वो बिल्कुल आप माता पिता की बात सुनना बंद कर देता है, तो ये कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। तो संसार क्या सोचता है कि ये शरीर और इस शरीर से उपजे सारे रिलेशंस ही सब कुछ है। लेकिन फिर बात उठती है कि जब मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है? जब मृत्यु हो जाती है तो वही व्यक्ति जिसके साथ हमने कई साल, कई डिकेड्स, दशक बिताए होते हैं, उसके साथ हम एक दिन भी नहीं बिताना चाहते। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी विधि से इनका डिस्पोज ऑफ हो जाए, हम रात में उनके साथ अलग से रुकना नहीं चाहते। वो व्यक्ति जो हमें बहुत प्रसन्नता देता था, सडनली उसकी पूरी बॉडी मैटर सब वहीं रखा है जैसा था, जैसा वो दिखता था वैसा ही दिख रहा है, लेकिन आज हमारा भाव उसके प्रति क्यों बदल जाता है? क्या ऐसी चीज है जो अब मृत्यु के बाद उसके शरीर में नहीं है, जो मृत्यु के पहले उसके शरीर में थी और उसी से एक्चुअली हमारा अट्रैक्शन था? हमने किसी समय इसको एनालाइज नहीं किया, हमें लगता रहा कि शरीर से हमारा अट्रैक्शन है, लेकिन शरीर तो अभी भी है। तो क्यों नहीं लोग ऐसा करते कि मम्मी बना के घर में रख लें? कोई नहीं करता ऐसा। तो ये मिसिंग लिंक क्या है, जीवन और मृत्यु के बीच की मिसिंग लिंक क्या है? एक्चुअली वो लिंक क्या है जो हमें किसी के प्रति अट्रैक्ट करती है, और वो लिंक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को साधारण भाषा में कहेंगे चेतना। चेतना मतलब जीवित होने की अवस्था। तो ये जो चेतना है, ये मृत्यु और जन्म के बीच की लिंक है। और ये चेतना कहाँ से आती है? चेतना आती है, अभी के लिए हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि ये चेतना का सोर्स कोई एक्स वस्तु है, और उस एक्स वस्तु को हमने नाम दे दिया सोल या आत्मा।
अभी हम बहुत साइंटिफिकली जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में ऐसी वस्तु हो सकती है, लेकिन अभी के लिए हम ये एक हाइपोथेसिस मान रहे हैं, साइंस में जैसे मानते हैं। तो सबसे पहले कोई साइंटिफिक व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि ठीक है, आपने इतना सब बनाया, इस लॉजिक को यहाँ तक आप लेकर आए, लेकिन क्या आप दिखा सकते हो कि आत्मा कहाँ पे है? तो हम एक एक तरह से समझते हैं कि कैसे हम आत्मा को समझ सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी धोती है, ये मेरी शॉल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कॉमन सेंस से हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, हम ये नहीं कहते कि ये मैं हूँ, या ये मेरा पैर है, हम ये नहीं कहते कि ये मैं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार मैं अपने कुर्ते और शॉल से पृथक हूँ, ऐसे ही मैं अपने हाथ, पैर, नोज और ईयर से भी पृथक हूँ। मतलब मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है, मेरी आइडेंटिटी इसके पृथक, इसके अलावा कुछ है। तो ये कॉमन सेंस से हर व्यक्ति जानता है इस बात को। तो ये पहला लेवल तो हमने ये समझा कि कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है कि मैं इस शरीर से पृथक कोई और वस्तु हूँ। और एक हमने देखा था शुरुआत में कि हम सबके अंदर कुछ इच्छाएं हैं हमेशा शाश्वत रहने की, वो कहाँ से आ रही, क्योंकि शरीर तो शाश्वत नहीं है, नश्वर है, तो वो इच्छा कहाँ से आ रही? तो वो भी एक कॉमन सेंस का कारण है कि हर व्यक्ति पूरे संसार में चाहता है कि वो हमेशा जीवित रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? हर कोई तो डिल्यूजन में, इल्यूजन में नहीं रह सकता, हेलुसिनेशन में नहीं रह सकता। हर एक की अगर एक ही इच्छा है, मतलब उस इच्छा का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। दूसरी बात पे आते हैं, जब हमने देखा कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? ही पास्ड अवे, वो गुजर गए। हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं, वो चल बसे, मतलब वो चले गए और कहीं जाके बस गए, वो चले और बस गए। तो हम क्यों बोलते हैं चल बसे? वो शरीर तो वहीं रखा हुआ है, क्योंकि हम इंटिट्यूली ये जानते हैं कि वो यहाँ से चले गए हैं अब, और वो कहीं जाके बस गए हैं। अब वो कहाँ बसे हैं वो हर रिलीजन का अलग अलग थिंकिंग, लेकिन डेफिनेटली डेथ मतलब ही पास्ड अवे, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे। दैट मीन्स डेथ मतलब वो यहाँ से, वो चेतना का स्रोत चला गया है। तो ये एक दूसरा कॉमन सेंस है जिससे हम हमेशा ये बात उपयोग में लाते हैं और कहते हैं कि ही पास्ड अवे। हर रिलीजन में, हर लैंग्वेज में मृत्यु को दर्शाने के लिए लगभग ऐसे ही शब्द हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? हर कोई ये जानता है कि शरीर में और मृत व्यक्ति में कोई तो अंतर है। अब चैलेंज साइंस के लिए क्या है? चैलेंज साइंस के लिए ये है, इनफैक्ट साइंस की सबसे बड़ी जो जर्नल है उसको बोलते हैं नेचर, नेचर की जो साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल है, उसके अंदर उन्होंने एक बार ढूंढे कि बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है साइंस के लिए आगे की मिलेनियम में, और उन्होंने ढूंढा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो साइंस के लिए है वो है ये चेतना, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करना। क्योंकि जब तक न्यूटोनियन फिजिक्स थी तब तक चेतना का कोई रोल नहीं था, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में चेतना का बहुत रोल है। अब वो बहुत डेप्थ की बात है, अगर आप में से कोई साइंटिफिकली ओरिएंटेड व्यक्ति हो तो हम अलग से इस बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जनरली हम डिस्कस करेंगे तो बाकी लोगों के लिए वो बोरिंग हो जाएगा। बट चैलेंज साइंस के लिए क्या है कि कॉन्शियसनेस का रोल इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में क्या है? क्या कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करती है कि कोई वस्तु कैसे होगी घटित? इस बात की चर्चा बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स में हो रही है। तो ये चैलेंज है साइंस के लिए। तो इसी प्रकार से साइंस की जब बात आती है तो लोग तुरंत बोल देते हैं दिखाओ, पहले दिखाओगे तो मानेंगे। तो बात यह है कि क्या हम माइंड देख सकते हैं किसी का? क्या हम इंटेलिजेंस देख सकते हैं? क्या हम हवा का बहाव देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, हम इनडायरेक्टली उनको परसीव करते हैं। किसी का इंटेलिजेंस या माइंड देखना हो तो हम उसको आईक्यू टेस्ट करके देखते हैं, उसको एक एग्जामिनेशन में बैठा के कम्पीट करा के दिखाते हैं कि किसका दिमाग ज़्यादा तेज है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम देख नहीं सकते लेकिन हम इनडायरेक्टली उसको इन्फर करते हैं। इसी प्रकार से हवा का बहाव देखना है तो हमारे पास उसके लिए भी एक इक्विपमेंट है। तो इस प्रकार से जितनी सूक्ष्म होती जाती है वस्तु, उतना ज़्यादा उसको समझने के लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा।
और हर वस्तु हम आंखों से नहीं देख सकते, और ये लॉजिक नहीं दे सकते कि हमने देखा नहीं है इसलिए वो वस्तु नहीं है। हमारे बिना देखे भी वो वस्तु हो सकती है, होती है, रोज ही हम देख रहे हैं। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, क्या हमने कभी देखा है? नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं कि है। उसका लक्षण क्या है? हम जीवित हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से मन बुद्धि को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सोल को हमने देखा नहीं है, लेकिन चेतना को तो हम रोज देख रहे हैं। मृत्यु के बाद चेतना विलीन हो जाती, इसको भी हम रोज देख रहे हैं। तो अगर हम ये रोज देख रहे हैं तो बहुत सिंपल है इस बात को समझना कि आत्मा होती है, क्योंकि चेतना का स्रोत कोई मैटर नहीं हो सकता। अगर कोई मैटर चेतना का स्रोत होता तो किसी की मृत्यु नहीं होती, हर व्यक्ति हमेशा जीवित रहता। अब इनडायरेक्ट और प्रूफ क्या हो सकते हैं? जैसे हर तरफ जहां पे प्रकाश है वहां पे अंधकार नहीं हो सकता, इसी प्रकार से जहां जहां चेतना का वास है वहां पे आत्मा का वास है। सिंपल सी बात है। तो आत्मा जो है वो शरीर के बियॉन्ड वस्तु है। वो कैसा है? अगर शरीर को हम मैटर बोलें तो आत्मा एंटी मैटर है, लेकिन आत्मा वो स्फुलिंग है जिससे पूरा शरीर प्रज्वलित हो रहा है, वो है जो शरीर को चला रही है। अब हम आते हैं, क्या इसको हम साइंटिफिकली समझा सकते हैं? साइंटिफिकली हम कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है सबूत से इस बात को समझ सकते हैं। हमें क्या समझना है? बेसिकली हमें ये समझना है कि शरीर से पृथक हमारा कोई एग्जिस्टेंस है क्या? अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि शरीर से पृथक मेरा कोई एग्जिस्टेंस है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि आत्मा होती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? तो पहला इंसिडेंस जो आता है इसमें वो है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अर्थ होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो एक तो हो गया कि वो पूरी पूर्णता वो मृत हो गया, और एक होता है कि उसको डेथ का नियरेस्ट एक्सपीरियंस हुआ लेकिन वो मरा नहीं, वो जीवित हो गया वापस। ऐसे हम कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि वो ले गए वहाँ पे और तब तक वो आदमी जीवित होकर बैठ गया, या कई बार आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और फिर पता चला आदमी जीवित हो गया। तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले जो व्यक्ति हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि उनको उस समय जब लोगों ने ये देखा और इक्विपमेंट से उन्होंने ये देखा कि ECG की लाइन फ्लैट आ रही है, EG की लाइन फ्लैट आ रही है, और व्यक्ति को अभी भी अपने शरीर की चेतना का भान है, वो डिस्क्राइब कर देते हैं कि उस दौरान वो 5-10 मिनट जितनी देर उनको ये अनुभव रहा उस समय उनके आसपास क्या चल रहा था, क्या हुआ, वो अक्षरशः बता देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर के बियॉन्ड भी उनकी कॉन्शियसनेस या चेतना का एग्जिस्टेंस है। और एक माइकल सोबम करके बहुत फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत कार्य किया, बहुत सारी पुस्तकें पढ़, मैंने भी उनकी पढ़ी हैं, और ही इज़ वेरी कंक्लूसिवली प्रूविंग दैट यस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस दे हैपन। दूसरी चीज़ है एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल का मतलब होता है कि आप एक शरीर आपका एक स्थान पे और आप दूसरे स्थान के अनुभव लेके वापस इस शरीर में आ जाते हो, जैसा हमने शंकराचार्य की कथा में हम सब ने पढ़ा है। तो ऐसा एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल योगिक लोग भी कर लेते हैं। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल आजकल बहुत सारे जो साइंटिफिकली ओरिएंटेड लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी यही दर्शाता है कि शरीर तो वही है लेकिन अनुभव अगर बाहर का हो रहा है, मतलब शरीर से पृथक हमारा कोई एग्जिस्टेंस है। ऐसा ही होता है एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, उसकी कोई बड़ी मेजर सर्जरी होने वाली है, वो सर्जरी की OT टेबल पे लेटा हुआ है, उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, और टेक्निकली उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल अभी बिल्कुल शून्य है, लेकिन जब सर्जरी पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी जो सर्जरी के दौरान OT में बातचीत हुई जो सब था वो सब कुछ बता देता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, कुछ हम लोगों ने भी अनुभव किए हैं पार्शली। इनफैक्ट एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसने ये बता दिया कि OT के ऊपर छत थी, बोले छत पे कोने में एक बहुत पुराना जूता पड़ा हुआ है, अब वो छत का जो गेट था वो खुला ही नहीं था सालों से। उस बात को कन्फर्म करने के लिए गेट खोला गया, देखा तो सच में वहाँ पे वो जूता पड़ा हुआ था। हाउ ही नोस, मतलब वो अपने शरीर से बाहर जा पाया तभी तो वो इस बात को एक्सप्लेन कर पाया। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस अगेन दे टेल कि शरीर से
बियॉन्ड हमारा कोई एग्जिस्टेंस है। इसी प्रकार से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं, हिप्नोसिस की बहुत साइंटिफिक ब्रांच है ये, जिसमें कि वो पुरानी उनके जीवन, एक जीवन, दो जीवन, चार जीवन, पांच जीवन पीछे चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। कई बार उनके कुछ फोबियाज जो रहते हैं, कई बार उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ की, उनकी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो तीन चार पांच जीवन पहले की किसी घटना में दबे रहते हैं। तो इसका भी अर्थ क्या है कि हम शरीर एक आज धारण किए हैं, लेकिन इसके पहले हमने अलग अलग समय पे अलग अलग शरीर धारण किए हुए थे। और इसी बात पे आते हैं फिर हम री इंकारनेशन के केसेस पे। तो डॉक्टर स्टीवनसन है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बहुत इम्पॉर्टेंट री इंकारनेशन पे करीब 2000 केसेस पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे किए और ये बहुत साइंटिफिकली किया। आज भी उनकी हर एक केस की पूरी फाइल बनी हुई है, साइंटिफिक उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए और उसके हिसाब से सबसे इंटरव्यू लिए और फाइनली उन्होंने बहुत सारे इन्फरेंस निकाले और उसमें ये पता चला कि 500 लोगों में से एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ जानता है, लेकिन हमारा समाज और बनावट उसकी ऐसी है कि उस बात को दबा दिया जाता है, कोई चाहता नहीं कि वो बात खुल के सामने आए। लेकिन ये 2000 केसेस जो हैं ये प्रॉपरली प्रूवन केसेस हैं जिनमें कि उनको पिछले जन्म की याद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो पिछले शरीर से इस शरीर को कनेक्ट करती है, जो पिछली कॉन्शियसनेस को इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से हम कभी री इंकारनेशन पे डिटेल में बात करेंगे तो जाएंगे कि किस प्रकार ऑलमोस्ट 20% बच्चों को ये भी याद रहता है कि उनकी जो मृत्यु हुई और उनका जो अगला जन्म हुआ उसके बीच में वो क्या कर रहे थे। मतलब कि अगर वो 2000 केसेस थे तो 20% ऐसे केसेस थे जिनको ये भी याद था कि बीच में वो कहाँ पर थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, मतलब उनकी चेतना उस पुराने शरीर में भी थी, बीच की अवस्था में भी थी और उसके बाद में भी थी। तो इतनी तरह से हम साइंटिफिक वे से इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हम जान गए कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना समाप्त नहीं होती है, ये शरीर समाप्त हो जाता है, इस शरीर का जो भी क्रिया कर्म है वो हो जाता है, लेकिन हमारी चेतना अगली बार ट्रांसफर हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये ट्रांसफर, ये जर्नी याद नहीं रहता। तो सबसे पहले हमको ये यहाँ से हमारी एक्चुअली जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या हुआ, स्पिरिट को जानना। अगर हमने स्पिरिट को ही नहीं जाना तो हमारी स्पिरिचुअलिटी केवल खोखली दिखावे वाली या फैशन की वस्तु हो गई। तो अब हम आगे इसमें जाएंगे कि किस प्रकार से इस आत्मा को या सोल को समझा जा सकता है। तो जैसा हमने देखा कि अब इसके बियॉन्ड साइंस हमें नहीं ले जा पाएगा, साइंस का अब यहाँ एंड हो गया, साइंस इससे ज़्यादा कुछ हमें हेल्प नहीं कर पाएगा, तो हमें इससे हायर हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। और इससे हायर हेल्प लेंगे हम किससे लेंगे, भगवान से लेंगे, भगवत गीता से लेंगे। तो आज की प्रेजेंट साइंस जितना जानती है, हो सकता है अगले 50 साल में 100 साल में धीरे धीरे कॉन्शियसनेस की स्टडीज मेन स्ट्रीम हो जाए, लोग साइंस में भी एक्सेप्ट करने लगे इन सब बातों को, और डेफिनेटली वो एक समय आएगा जब साइंस उतनी प्रगति करेगा। लेकिन हम क्या 100 साल रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, तो हमें तो आज ही इस बात को पूरी तरीके से अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब मैं इसको इंटरेक्टिव सेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप में से जो भी उत्तर देना चाहें दे आर वेलकम। हमारी क्या वर्थ है हमारे जीवन में, क्या लगता है आपको, हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी वैल्यू से जुड़ी हुई है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, कोई बोलना चाहेगा? अंकित प्रभु जी आप बोलेंगे? कि आज अगर कोई एक व्यक्ति हो तो उसको हम कितने करोड़ रुपए दे सकते हैं कि वो अपना शरीर बेच दे हमको? आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई उत्तर देना चाहेगा? तो इस पे एक साइंटिफिक स्टडी उन्होंने की और उन्होंने ये निकाला
कि अगर हम केवल अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो शरीर जो है उसके सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर डिवाइड किया जाए, ऐसी एक मशीन बनाई जाए जिसमें शरीर को डाल दें और उसमें जितनी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए और अगर उन सब की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, तो आज के मार्केट के रेट के हिसाब से वो आती है 1100 रुपए की। तो आप में से कौन कौन है जो 1100 रुपए में अपना शरीर देने को तैयार है? हम रेट डबल कर देते हैं, 2200 रुपए देंगे। कौन कौन है? एनीवन, एनी कैंडिडेट? तो डेफिनेटली हमारी वर्थ जो है वो 1100 रुपए तो नहीं है, 2200 रुपए भी नहीं है, 22 लाख भी नहीं है, 22 करोड़ भी नहीं है। ये हम सब जानते हैं। हम 22 करोड़ भी दे तो हम अपनी एक किडनी भी किसी को नहीं देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अपनी वर्थ को जानता हूँ लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानता। इसका एक और अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जो 500 करोड़ का है, लेकिन वो हम पत्थर समझते हैं, उसको पेपर वेट जैसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी वर्थ है लेकिन हमें ही उस वर्थ का ज्ञान नहीं है। तो कैसे हम जान सकते हैं कि शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है और क्यों हमको इसको जानना चाहिए? तो इसका उदाहरण हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही हूँ, और मैंने कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर उसके बाद एक बड़ी सी ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मुझे धक्का दे के अंदर भेज दिया गया। मैंने जब ऊपर से उस फैक्ट्री के गेट से एंटर करके देखा, इतने सारे वर्क स्टेशंस, क्या क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं वहाँ का जो सुपरवाइज़र होगा, जो सीईओ होगा, मैनेजर होगा, उसके पास जाऊँगा और बोलूँगा कि मेरा इस फैक्ट्री से क्या कनेक्शन है, मेरा क्या रोल है, मुझे बताइए। मेरा रोल मुझे पता चलेगा तभी तो मैं कार्य कर पाऊँगा। इसी प्रकार से इस संसार में हमको धक्का दे के भेज दिया गया। अब इस संसार में हम आ गए और हमने इतनी सारी चीज़ें देखी और फिर हमने लगने लगा चलो मैं इस स्टेशन पे जाके ये काम करता हूँ, लेकिन एक्चुअली हमारा रोल सच में क्या है इसको तो हमने कभी पूछा ही नहीं। तो जब हम जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो हम अपने रोल को भी सही से समझ पाएंगे, हम अपनी वर्थ को भी सही से समझ पाएंगे, हम इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर ढूंढ पाएंगे कि मैं कौन हूँ और मेरी रिलेशनशिप ये सब जिसने बनाया उससे क्या है, मेरा इस पूरे क्रिएशन में एक्चुअली क्या रोल है और मेरे जीवन का हेतु क्या है, पर्पस क्या है। तो जैसा हमने देखा कि कॉन्शियसनेस का, लाइफ का सोर्स क्या है, लाइफ का सोर्स है आत्मा, और आत्मा को भगवद गीता में कैसे डिफाइन किया, सत, चित और आनंद, तीन जो है विशेषण दिए गए उसे। सत का मतलब जो हमेशा है, इटर्नली एग्जिस्टिंग, चित का मतलब जो कॉन्शियसनेस है, और आनंद मतलब ब्लिस, जो हमने देखा था पिछले सत्र में। तो ये हमारा ट्रू नेचर है। यही कारण है कि हम ये तीनों वस्तुएं हमेशा ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हम शाश्वत रहें, कॉन्शियस रहें। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं हम हमेशा ब्लिस में रहें, आनंद में रहें, और हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि किसी प्रकार से मेरा एग्जिस्टेंस श्योरली बना रहे और सारा जो अल्टीमेट नॉलेज है वो मुझे मिल जाए। तो ये सारी जो तीन हमारी इच्छाएं हैं जो हर व्यक्ति में हैं पूरे संसार में, वो तीनों इच्छाएं आत्मा से आ रही हैं। ये तीनों इच्छाएं आत्मा की हैं, लेकिन हमारे समाज ने और उसकी कंडीशनिंग ने ऐसी स्थिति बना दी कि हमने ये तीनों इच्छाएं अपनी दबा दी। हमारा आनंद जो है सुख में बदल गया कि सुख भी मिल जाए तो चलेगा। हमारी कॉन्शियसनेस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है क्योंकि हम वही बात मानेंगे जो साइंस बोलेगी। और नॉलेज तो हमें लगा कि सबसे इटरनल नॉलेज तो एनसीईआरटी की किताब के अंदर दिया हुआ है क्योंकि उसी से जॉब मिलता है। तो ये सत, चित और आनंद तीनों को हम भूल गए। लेकिन भगवद गीता क्या कहती है कि शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। शरीर जो है मृत्यु के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनफैक्ट हर समय वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जन्म होते ही हमारा शरीर बदलना चालू करता है और ओल्ड एज आते ही धीरे धीरे एक एक सेल जो है वो डाई करने लगता है। लेकिन फिर भी हमारी अमर रहने की इच्छा क्यों है? क्योंकि आत्मा की इच्छा अमर रहने की इच्छा है। तो आत्मा क्या कहती है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। तो आत्मा तो वो वस्तु है जिसको कोई वेपन नहीं काट सकता। कोई अग्नि में यह जलेगी नहीं, ये पानी में भीगेगी नहीं,
और ना ये वायु से सूखेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इस सब विशेषण का अर्थ ये हुआ कि आत्मा जो है वो नॉन मटेरियल है, क्योंकि ये सब चीजें शरीर के साथ होती हैं। शरीर को आप वेपन से छेद सकते हो, आप अग्नि में जला सकते हो, आप भिगो सकते हो, आप हवा में सुखा सकते हो, लेकिन आत्मा पे इनमें से कोई भी वस्तु लागू नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो अब से हम जब भी मिरर में अपने आप को देखें तो हम मिरर में ये ना देखें हमें जो चेहरा दिख रहा है, क्योंकि वो चेहरा तो थोड़े दिन में वृद्ध हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। हम जब अपनी आइडेंटिटी मिरर में देखें तो ये देखें कि अरे मैं तो एक शाश्वत भगवान का अंश हूँ। जिस दिन हमें यह दिखने लगेगा हमने सेल्फ रियलाइजेशन पा लिया। तो फिर हम आते हैं कि आत्मा का किसी ने कोई साइज बताया है क्या? तो हमारे शास्त्रों में हर प्रकार की डिटेल में चीज़ें उपलब्ध है। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा की साइज क्या होती है। जो हेयर टिप है उस हेयर टिप का जो सबसे टॉप पार्ट है उसको लीजिए, उसके पहले 100 टुकड़े करिए, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़े को लीजिए, उसके फिर 100 टुकड़े करिए। मतलब कि हेयर की जो टिप है उसके 10,000 टुकड़े करिए और उसका जो एक टुकड़ा रहेगा वो हमारी आत्मा की साइज है। तो ये हमारी आत्मा की साइज है, ये आत्मा की साइज सब में समान है। ये चींटी के अंदर भी उतनी बड़ी आत्मा है, एक बैक्टीरिया में भी उतनी बड़ी आत्मा है और हमारे शरीर में भी उतनी बड़ी आत्मा है। ये भगवान की बहुत ही अलौकिक शक्ति है कि वो छोटी सी आत्मा एक हाथी के शरीर को भी चला देती है और वो छोटी सी आत्मा जो एक चींटी को भी चला देती है। तो ये हो गई आत्मा की साइज। तो क्या सबकी आत्मा अलग अलग है और क्या जानवरों में आत्मा होती है? ये प्रश्न क्यों पूछना है? क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे धर्मों में ये मानते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर वो मानेंगे कि जानवरों में आत्मा होती है तो फिर जानवरों को कैसे खाएंगे? तो अगर जानवरों को खाना है तो हमें पहले क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? जानवरों में आत्मा नहीं होती इसलिए हम खाते हैं। डेफिनेटली हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि जानवरों में भी आत्मा होती है। क्या सबकी आत्मा अलग अलग है? डेफिनेटली सबकी आत्मा अलग अलग है और हमेशा अलग अलग रहेगी। भगवान 2nd चैप्टर में भगवद गीता के कहते हैं कि कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो या ये राजा न रहे हो, न ऐसा समय कभी आएगा जब हम में से कोई भी नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान शाश्वत हैं और हम भी जीव के रूप में, आत्मा और जीवात्मा के रूप में शाश्वत हैं। तो फिर ये कैसे होता है कि ये आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर बदलती रहती है, जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है? तो ये क्यों होता है और ये कैसे होता है? तो मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय ये होता है कि एक हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, उसकी मृत्यु हो जाती है और जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ में उस शरीर को छोड़ के चली जाती है। इसी को हम मृत्यु बोलते हैं। तो आत्मा अकेली नहीं गई है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है जो कि सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, उसके साथ वो आत्मा गई है। और इसी प्रकार से आत्मा एक से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, अलग अलग योनियों में हजारों करोड़ों लाखों अरबों साल तक भटकती रहती है जब तक कि उसको ज्ञान न मिले। तो भगवान क्या कहते हैं? देह नस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो इनफैक्ट बात यह है कि केवल हमारा शरीर मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है और दूसरा शरीर मिलता है, ऐसा नहीं होता है। हम तो पूरे समय जब तक इस शरीर में भी रहते हैं हमारा शरीर बदलता रहता है। तो जब हम इस शरीर में हैं तब भी हम पहले छोटे से बालक थे, युवा हुए, वृद्ध हुए, तो क्या हो रहा है? हमारा शरीर तो अभी भी बदल रहा है। इसी प्रकार से बदलते बदलते इवेंचुअली जब ये चलने लायक नहीं रहेगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कपड़ा कोई पुराना हो जाए, फट जाए, तो हम उसे हटा देते हैं और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती रहती है और यही एक से दूसरे शरीर धारण करने की प्रक्रिया को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं, री इनकारनेशन, रीबर्थ कहते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी सीक्रेट बात क्या है इसमें कि हमारी मृत्यु के समय हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती और ना हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। तो अब क्या हो गया? बोले आत्मा शाश्वत है,
बोले भगवान भी शाश्वत है और आत्मा हमेशा है, भगवान हमेशा है, आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, तो क्या मैं भगवान हो गया? तो अब हम इसका उत्तर ढूंढते हैं, क्योंकि कई लोगों को यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस पे किसके बाद आखिरी में जैसे कोई कन्फ्यूज़ हो जाए ऐसे हो जाते हैं। तो आखिरी में भी हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, हमारी आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान ने अभी तो बोला कैटेगोरिकली कि कोई ऐसा समय नहीं रहा जब तुम न रहे हो, मैं न रहा हूँ, ये राजा न रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमेशा से भगवान भी हैं और हम भी हैं, लेकिन हम भगवान से हमेशा पृथक हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा है। और इसको और कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हमने देखा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो जब आत्मा को काटा नहीं जा सकता तो आत्मा को जोड़ा कैसे जा सकता है? उसकी कॉरोलरी अपने आप ये हो गई कि आत्मा हमेशा से शाश्वत रूप में ही रहेगी। तो एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा का जो बेसिकली स्रोत एनर्जी है, उन्हीं से सारी आत्माओं को एनर्जी मिल रही है। तो ये सुपर सोल जो हैं, ये सुपर हैं और हम जो हैं केवल सोल हैं। तो ये सुपर मैन है और हम सिंपल मैन हैं। तो क्या हम भगवान हैं? नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। वी बिलोंग टू गॉड। एम आई गॉड? नो, वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स। दैट मीन्स वी बिलोंग टू गॉड, वी कैन नेवर बिकम गॉड। तो हम किस तरह से भगवान के जैसे हैं? हम गुणों में भगवान के जैसे हैं, जैसे कि समुद्र हो अथा और उसकी एक बूंद हो, दोनों का आप केमिकल एनालिसिस करोगे सेम सोडियम क्लोराइड मिलेगा परसेंटेज में, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग। तो क्वालिटेटिवली हम भगवान के जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम भगवान से अलग हैं। हमारी आत्मा क्या है? अणु है, छोटी सी है। भगवान की क्या आत्मा कैसी है? विभू है, विराट है, स्वराट है। तो हम भगवान हैं क्या? हम भगवान नहीं है। आगे के सत्रों में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सोल और सुपर सोल को हम अलग अलग समझते हैं, लेकिन अभी के लिए ये कि हम सब जीवात्मा हैं और भगवान परमात्मा है, हम अणु हैं और भगवान विभू हैं। हमको केवल अपने शरीर का भान रहता है कि यहाँ चोट लग गई, यहाँ दर्द हो रहा है। भगवान को हर एक शरीर का, सोचिए आपके घर में अगर कोई बिल बना के एक चूहा भी रह रहा है तो उसके बारे में भी भगवान जानते हैं, उसका डिटेल पूरा। ये भगवान का जो है वो परसेप्शन का, कॉग्निजेंट का पावर है, वो हमारे पास नहीं है। हम क्या हैं? हम हमेशा भगवान के नित्य दास हैं। और भगवान क्या हैं? वो हमेशा हमारे मास्टर हैं। तो सोल बहुत सारी हैं और भगवान केवल एक ही हैं। लेकिन हम क्या हैं? भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। आगे 15 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठियानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे ही अंश जो हैं वो कौन हैं? जीव हैं। ये कंडीशन वर्ल्ड में बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन सनातन रूप से, हमेशा से, इटर्निटी से वो मेरे ही फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन हो क्या रहा है? ये 6 इंद्रियों के फेर में और खुद एंजॉय करने के चक्कर में इस प्रकृति में फंस के क्या कर रहे हैं? बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्षति स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा बेचारों का। लेकिन हैं हम किसके अंश? मामे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हम सनातन हैं, हमेशा से भगवान के अंश हैं। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्या हम कभी आत्मा को पूरी तरह से समझ सकते हैं? तो भगवान खुद ही 2nd चैप्टर के 25th श्लोक में बता देते हैं कि आत्मा देखो इनविजिबल है, आत्मा कभी बदलती नहीं है, और आत्मा क्या है? अचिंत्य है, आत्मा इनकंसीवेबल है। आत्मा को कभी भी कोई पूरी तरीके से नहीं समझ सकता है। तो ये भगवान ने ही उस पर स्टैंपिंग करके भेजी है कि आत्मा के बारे में मैं इतना बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तुम्हें वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्यों जानना है आत्मा के बारे में? आत्मा के बारे में इसलिए जानना है कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे और उनके घर में अकेले रहते थे, तो उनकी इच्छा हुई कि कोई पेट पालतू कुछ पाला जाए। तो पहले उन्होंने सोचा कुत्ता पालेंगे, फिर उन्होंने लगा कि कुत्ते को बहुत देखभाल लगेगी, तो फिर किसी ने सजा दिया कि तुम एक पैरट पाल लो। तो पैरट के बारे में कुछ जानते नहीं थे, बड़े शहरों में रहे थे हमेशा, गाँव वाँव में कभी गए नहीं थे। तो एक दुकान पर गए, तो खूब पैसे वाले थे, तो दुकान वाले ने देखा खूब पैसे वाले आए हैं, तो चलिए ये आपके लिए तोता है और ये इसका बढ़िया सोने का पिंजरा, इसकी बढ़िया देखभाल करिएगा।
तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तो खाली रहता हूँ दिन भर, बहुत अच्छी देखभाल करूँगा। वो ले आए उसको, बढ़िया तरह से टांग दिया। और पैसे वाले थे तो सोने के बारे में बहुत जानते थे, तो उन्होंने देखा सोने का पिंजरा है, खूब महंगा है, पैसा खर्च हुआ है, रोज उसकी बढ़िया सफाई करते थे। ये तोता भी बड़ा स्पेशल था, ये तोता भी जो है वो अच्छे अच्छे थॉट फॉर द डे सुनाता था रोज, तो ये थॉट फॉर द डे सुनते थे और खुश रहते थे, बढ़िया सफाई रखते थे। और उसी दिन शाम को उनके यहाँ कोई मिलने वाले आ गए पड़ोसी, उनको भी दिखाया, उन्होंने देखो तोता कितनी अच्छी बातें करता है। बोले हाँ बहुत अच्छी बातें करता है। और फिर वो ऐसे ही उसकी बढ़िया पिंजरे को बढ़िया तरीके से क्लीन करते रहे। 3-4 दिन के बाद सुबह उठे तो देखा कि तोता तो कुछ हिलडुल नहीं रहा है, क्या हो गया? हिलाया डुलाया तो वो हिल नहीं रहा था। तो वो उस पिंजरे को और तोते को लेके उसी दुकान वाले के पास गए और बोला कि तुमने मुझे चीट कर दिया, तुमने ऐसा ये दिया, ये तो मर गया। तो बोले क्या करते थे आपने, देखभाल क्या की इसकी? बोले बढ़िया सफाई करता था पिंजरे की, बिल्कुल देखो एक दाग नहीं लगा हुआ है। बोले तोते को कुछ खाने को दिया था, अमरूद मिर्ची कुछ दी थी? बोले तोते को भी कुछ खाने को देना पड़ता है? बोले हाँ देना पड़ता है। तो यही हाल हम सबका है, ये जो पिंजरा है ये शरीर है, हम शरीर की बहुत देखभाल, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरीज, बहुत सारे उपाय, और आत्मा के लिए भोजन भी नहीं। तो अगर हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो आत्मा, क्योंकि अमर है तो मरेगी नहीं, लेकिन आत्मा हमारे साथ भी बहुत दिन नहीं रहेगी इस शरीर के साथ। तो जिस प्रकार से, चाहे आपके पास बुगाटी वेरियन हो, चाहे आपके पास मारुति 800 हो, वो एक जगह खड़ी रहेगी अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं हो। इसी प्रकार से आपको कैसा भी शरीर मिला हो, कोई भी भौतिक स्थितियां मिली हो, जब तक आपके शरीर में आत्मा है तभी तक आपका अस्तित्व है। इसलिए आत्मा को क्या खिलाना पिलाना है उस पर ध्यान दीजिए, केवल शरीर के खिलाने पिलाने से बात नहीं बनेगी। तो क्या आत्मा मर सकती है? हम पढ़ते हैं अखबारों में इनकी तो आत्मा ही मर गई है, तो आत्मा नहीं मरती है कभी भी। क्यों नहीं मरती है? क्योंकि आत्मा को तो कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता, अभी हमने देखा था, तो आत्मा को तो कोई मार भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार से एक्चुअली अब मैं कौन हूँ, अगर मैं इस प्रश्न को पूछूं फिर से, तो मैं कौन हूँ? ये जो भौतिक शरीर है और ये जो आत्मा है, ये दोनों मिलके मैं हूँ, ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। तो 7 चैप्टर में हम भगवद गीता के देखते हैं कि ये अलग अलग पंच महाभूतों से हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। और इसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर आत्मा है। तो ये पूरा जो कंपोजिट पैकेज है, ये मैं हूँ। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं केवल इस अभी की स्थिति में आत्मा भी नहीं हूँ। तो इसलिए हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पिंजरे की भी सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन हमें तोते को भी कुछ खिलाना पड़ेगा। तो ये जो 2 सत्र हमने अभी तक लिए, पहला सर्च फॉर हैप्पीनेस और दूसरा मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, इन दोनों सत्रों को अगर हम मिला के देखें, तो मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, इसके बाद हम विराम देंगे। तो एक व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे, और वो गांव में रहते थे। वहां पे गांव में उनके पास जॉइंट फैमिली थी, तो 2 घर थे। अब उसमें से कुछ बच्चे बाहर चले गए थे, उनकी फैमिली वहाँ नहीं रहती थी, तो ये बच्चे हमेशा उसको कहते थे कि ये दूसरा घर जो खाली पड़ा हुआ है, इसको आप बेच क्यों नहीं देते? अब ये उसको लगाव था, तो वो हमेशा टालता रहता था, करेंगे करेंगे, किसी दिन करेंगे। और फिर लड़कों ने जो है वो बोला कि हम कुछ बातचीत चालू करें किसी खरीदार से, तो उसने बोला ठीक है प्रयास करके देखो, पर उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि कोई उसको खरीद ले। अब ये थोड़े दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर गया। अब बाहर से जब वो वापस आया स्टेशन से, तो देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई, हाहाकार मच रहा है, क्या हुआ? तो वो जाके देखा तो वो वाला जो उसका दूसरा घर था, वहीं पे बहुत तेजी से आगों की लपटें उठ रही थी। तो ये तो बहुत दुखी हो गया, अरे बाप रे, इसको मैं बेच देता तो अच्छा रहता, लड़के अच्छा सही कह रहे थे, सलाह मुझे जाने के पहले बेच देना था इसको। तभी उसका बड़ा लड़का आया, बोले कि वो आपको पता है ये घर की बातचीत हो गई थी और बिक गया है, वो फाइनल बातचीत कर रहा है आपका दूसरा जो लड़का है वो। तो ये बहुत प्रसन्न हो जाता है, बोले बिक गया है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं अब।
तभी वो दूसरा लड़का आता है और बोलता है कि नहीं नहीं अभी केवल बातचीत चल रही थी, अभी पेपर वर्क हुआ नहीं है, उन्होंने कुछ एडवांस पैसे कुछ नहीं दिए हैं। तो ये फिर दुखी हो जाता है। तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं, हम कभी भी तब दुखी होते हैं जब हम किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हम आत्मा हैं, तो हम किसी भी वस्तु से दुखी होना बंद कर देंगे, क्योंकि बाकी सब वस्तुएं तो शरीर से अटैचमेंट है उनका। तो जब तक ये घर आपका है तो आपको लगता है अरे ये जल रहा है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, और जब किसी और ने खरीद लिया है तो मुझे क्या करना है, जलने दो। इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हमें आत्मा का ज़्यादा ध्यान रखना है। जब हम आत्मा के लेवल पे सोचना चालू करेंगे तो हमें बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ें जो डिस्टर्ब करती हैं वो डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे, बिकॉज दैट दोज ऑल थिंग्स मेक नो सेंस। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पिछले 2 साल कोविड में जब सबसे ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था तो हम किन चीज़ों को सहेज के अपने पास रखे हुए थे। हम में से कितने लोग ये मिस कर रहे थे कि हम मॉल क्यों नहीं जा पा रहे, कितने लोग ये मिस कर रहे थे कि लेटेस्ट मूवी रिलीज नहीं हो रही है, कितने लोग ये मिस कर रहे थे कि नया सीरियल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मिस कर रहे थे हम, क्योंकि हमने उस समय ये सीखा कि रियली वैल्यू किन चीज़ों की है। रियली वैल्यू हमारे साथ जो थे उनकी है, उनके जीवन की है। हम कैसे रोज प्रे कर रहे थे कि हमारे साथ वालों की सबका जीवन सुरक्षित रहे, जो आईसीयू में एडमिट हैं वो अच्छे होके घर आ जाएं, क्यों हम चाह रहे थे। तो आज उससे सबक सीखना चाहिए कि यही हमारी रियल वेल्थ है, ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमारी रियल वेल्थ है, ये जो आपस की बॉन्डिंग है ये हमारी रियल वेल्थ है। जो पोजेशंस हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी हमें आज के दौर में लगती है या हमें ऐसा एहसास कराया जाता है मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो एक्चुअली आज के सेशन का कंक्लूजन क्या है कि जो आत्मा है वो ही हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, और कुछ भी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। जिस प्रकार से 2011 में भी मेरा फ़ोन नंबर वही था, आज भी मेरा फ़ोन नंबर वही है, इस बीच में मेरे 4 फ़ोन बदल गए, लेकिन क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, एक नया फ़ोन लिया जब पुराना ख़राब हो गया, सिम निकाला और इसमें डाल दिया और फ़ोन फिर चलने लगा, सारे कॉन्टेक्ट वापस आ गए और सारा डेटा वापस आ गया। इसी प्रकार से आत्मा का काम है, मोबाइल बदलता रहेगा लेकिन सिम कार्ड वही रहेगा। तो फूड फॉर सोल क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, इसको हम अगले सत्रों में डिटेल से विस्तार से समझेंगे। और एक और कंक्लूजन आज का है कि हम सब अलग अलग आत्मा हैं तो हम सब ओरिजिनल हैं, कृपा करके किसी की फोटोकॉपी बनने का प्रयास ना करें। इसका अर्थ क्या हुआ, हम किसी की कॉपी ना करें जीवन में, हमें जो अच्छा लगता है उस चीज़ को करें, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है उसको करें। हम ये ना देखें कि कोई दूसरा उस चीज़ को अप्रूव करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जीवन में लोग तो रामचंद्र जी पे भी उंगली उठाते हैं। इसलिए हम ओरिजिनल बने रहें, हम इंडिविजुअल बने रहें, किसी की कॉपी करने का प्रयास ना करें। अब इतना अच्छा प्लेन शरीर के रूप में हमें भगवान ने दिया, इतना अच्छा उसमें पायलट दिया, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी, तो ये प्लेन सही डेस्टिनेशन पे पहुँचे ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस प्लेन के साथ, प्रॉब्लम ये कि इसको हाईजेक कर लिया गया। ये हाईजेकर हैं 6, इनके बारे में भी हम अगले सत्र में समझेंगे कि कौन से 6 हाईजेकर हैं जिसने हमारे इस सुंदर प्लेन को हाईजेक कर लिया और कहीं और ले जा रहा है जहाँ एक्चुअली हमको नहीं जाना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। I'm